आप सभी को नमस्कार, वेलकम बैक। और ये पार्ट टू होगा जो 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका पेपर हम आपको करवा रहे हैं। 10 क्वेश्चन आज करवाएंगे और जो 15 क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करवा लिया। फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा, अगर सिलेक्शन लेना है, ठीक है, अगर आपको बिहार सचिवालय में 100% सिलेक्शन इंश्योर करना है तो मैथ्स एंड रीजनिंग को आपको सुपर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने करूँगा वो एग्ज़ाम बेस्ड होगा कि एग्ज़ाम में अगर आप जब बैठोगे तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उस मेंटेलिटी से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, पहले आप खुद ट्राई करना और उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखना, ठीक है। और ये यूट्यूब का जितने भी लोगों ने करवाया है उनसे बेहतर सॉल्यूशन है, क्योंकि हम हमेशा एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे हमने लिंक डाल दिया है। जितने लोग भी बिहार सचिवालय सहायक श्योर सिलेक्शन चाहते हैं उनके लिए हमने बैच भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मैं खुद वहाँ आपको मैथ्स एंड रीजनिंग करवाने वाला हूँ। आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आप जल्दी से ट्राई करिए। देखिए एक और ये आप देखना कि 10 क्वेश्चंस में, ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को आपको 30 से 40 सेकंड मैक्स टू मैक्स अभी देना है, ठीक है। उसके बाद और इम्प्रूव करना है, ठीक है, और कमेंट करना है कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 10। चलिए तो पहला है कि एक वर्ष में 5000 बढ़कर स्पीड में पढ़ना, इसी तरीके से 5000 बढ़कर 5700 हो जाता है, ठीक है। तथा अनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 बढ़कर कितना हो जाएगा। तो देखो अगर कोई चीज़ 5000 बढ़कर 5700 हो जाता है, मतलब क्या एक साल में, मतलब इसका हम रेट ऑफ परसेंट निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ परसेंट कैसे निकालेंगे, 700/5000 × 100 करेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप काटोगे, ठीक है, तो ये 14% आएगा, ठीक है। जब ये 14% आ गया, मुझे बोला है कि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7000 कितना हो जाएगा, तो 14/5 कितना होता है आपको पता है, 70% होता है। तो इसका 70% निकाल के इसमें प्लस कर दो, या इसका क्या करोगे, 170% डायरेक्टली निकालोगे, तो 10% इसका होता है 700, 10% इसका 700 होता है, ठीक है। तो इसका 70% कितना होगा, 77 + 49 = 4900, ठीक है। तो 4900, तो ये जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, यहाँ आपका 9 आ जाएगा। तो आप देखोगे डायरेक्टली इसको मार लोगे, समझ में आया। इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नल ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरी नल बी 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाएं तो 2 घंटे बाद नल ए बंद कर दिया जाता है, तो दूसरा नल बी उसी टंकी को अब कितने घंटों में भरेगा, ठीक है। देखो क्या बोले, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पर इसका कंसेप्ट समझ लेना कि ए है, ठीक है, जो 6 घंटे में भरता है, ठीक है, और बी जो है, ठीक है, ए जो है आपका 8 घंटे में भरता है और बी जो है इसी को 6 घंटे में भरता है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 24 इसका एलसीएम ले लेंगे, जो इसका टोटल वर्क हो जाएगा दोनों का, ठीक है। और 1 घंटे का इसका कितना वर्क होगा, ए का, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मैं बेसिक में नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स में करने हैं, ठीक है। तो ये 24 हो जाएगा और यहाँ आपका 4 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका एक दिन का, ठीक है, एक दिन का, ठीक है। अगर जिनका मैथ्स जीरो है या रीजनिंग जीरो है, नीचे लिंक दे दिया, उससे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7 हो जाएगा, मतलब एक दिन का दोनों का वर्क कितना है, 7 है। 2 दिन उन्होंने साथ में काम किया तो कितना हो जाएगा, 14। तो 14 काम तो दोनों ने मिलकर कर लिया, उसके बाद क्या होता है, एक को बंद कर दिया जाता है, तो 14 पहले आप इसमें माइनस कर लो तो 10 बच जाता है। और लास्ट का जो ये 10 दिन का जो काम होगा, 10 यूनिट जो काम होगा, वो कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ ये 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2, 1/2 जो हो जाएगा इसका, 2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 2, 1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब कैसे होगा देख लो एक बार, ये 10 मैंने यहाँ लिखा, यहाँ मैंने लिखा 4, 2 = 8 मैंने लिखा, यहाँ 2 लिखा, ठीक है, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है, 2/4 आएगा, तो 1/2 मैंने डायरेक्टली मन में उसको काट लिया, तो ये आ जाएगा 2, 1/2, ठीक है। चलिए, एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेची, यही वो कलम 12 अधिक पर बेचता उसे 10% का लाभ होता, तो उस कलम का क्रय मूल्य क्या। आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करो, बहुत ही ईजी रहता है। हमेशा जो क्रय मूल्य होता है 100% हम लोग मानते हैं, तो बोला है कि 100% कोई भी चीज़ आप खरीदोगे तो 100% में उसका क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है, थीके? और 20% की हानि पे बेच दिया, मतलब 80 पे बेच दिया, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है, समझ में आया। और बोला है कि अगर वो 12 रुपया अधिक पे बेचता, ठीक है, वो कलम को 12 रुपया अधिक पे, मतलब ये जितना पे भी बेचा है, 80% पे बेचा है, 100% पे वो खरीदा था, तो 12 रुपया अगर वो अधिक पे बेचता,
ठीक है, तो उसको क्या होता है, 10% का लाभ होता है, ये तो हमेशा 100 ही रहेगा, 10% का लाभ होगा मतलब क्या 110 होगा, ये परसेंट में है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आपको दिख रहा है 30%, तो 30% जब आपका 12 है, 12 है ठीक है, तो 100% कितना होगा, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है इस पर हम बात करेंगे कभी वीडियो पे, ठीक है, जैसे कि 30% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक व्यापारी अपनी चीज का बिक्री मूल्य, अब देखो और मैं क्विक आपको बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और कितना फास्ट कर सकते हो। देखो एक व्यापारी अपनी चीज़ों का विक्रय मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित किया है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ 100 में खरीदा होगा वो सीपी, और वो कितना बढ़ा के किया है, एसपी कितना रखा है, उसकी विक्रय मूल्य 10% बढ़ाया है, मतलब उसको 110 में बेचा है, ठीक है, और बोला है कि उसी विक्रय मूल्य पे वो 10% का छूट दे देता है, 10% का छूट दे देगा मतलब क्या 11 रुपया छूट दे दिया, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना 99 बचेगा, तथा अनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि का, देखो तो आप पूछ रहे हैं कि लाभ या हानि क्या होगा, देखो जो छूट जो दिया जाता है ना वो हमेशा क्या होता है कि अंकित प्राइस, ठीक है, मतलब अंकित मूल्य पे दिया जाता है, बट यहाँ उसने मेंशन किया है कि विक्रय मूल्य पे दे रहा है 10% की छूट, तो 100 था, ठीक है, 10% उसने ज़्यादा अंकित किया था, ठीक है, तो 110 हो गया, और जो सेलिंग प्राइस था उस पर 10% का छूट दे दिया है, तो 10% का जब इसका माइनस करोगे इसमें 10% इसका, तो 99 आ जाएगा। अब देखो 100 रुपया में खरीदा, 99 रुपया में बेच दिया, मतलब क्या हो गया 1% का लॉस हो गया, तो 1% का हानि हो जाएगा। आगे चलो, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इसी समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, ठीक है, इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तथा अनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी होगी। देखो बहुत ही इजीली इसको कर सकते हो, बहुत तरीके में क्विक वे बता रहा हूँ, एग्जाम में फादर लिखता हूँ, मदर लिखता हूँ और डॉटर लिखता हूँ, डॉटर का एज मुझे दिया हुआ है 10 है, बोला है कि और माँ इस समय अपनी पुत्री की 3 गुनी है, तो 3 गुनी हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, और बोला कि पिता जो है माँ से 7 बड़ा है तो ये 37 हो जाएगा। पूछा क्या है हमें, अगर अभी पूछता फादर का एज तो 37, पर पूछा है कि जब पुत्री का जन्म हुआ था तब पापा का एज कितना था, पुत्री का जन्म कब हुआ होगा, 10 साल पहले हुआ होगा, तो 10 साल पहले अगर इसमें आप माइनस कर देते हैं तो 27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ कुछ समझाने वाला होगा मैं वो समझाऊंगा, बट ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम टाइम में करना है, ठीक है। चलिए एक व्यापारी अंकित मूल्य, अब देखो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए, अब मैं एक ट्रिक आपको देने जाऊँ, आप समझना, ठीक है, एमपी अंकित मूल्य, ठीक है, सीपी क्रय मूल्य इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस आपका क्या होता है, आपका डिस्काउंट होता है, एक मिनट रुक जाना, तो मैं बता रहा था आपको कि जो आपका एमपी बाय सीपी का जो रिलेशन होता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो होता है वो होता है 100 प्लस यहाँ प्रॉफिट परसेंट लिखा जाता है और 100 माइनस यहाँ डिस्काउंट परसेंट लिखा जाता है, बस इतना ही आपको करना है। ये बहुत ही, इसको कभी डिटेल में बताऊंगा कि इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, बट अभी बस हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। देखो तो ये आपको मिल गया और यहाँ आप देखो तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 117, तो एमपी आपका 117 आ रहा है अंकित मूल्य, और छूट कितना दिया हुआ है 10%, 100 माइनस 10% 90, तो ये आपका एमपी है अंकित मूल्य है, ठीक है, और ये आपका क्या है क्रय मूल्य सीपी है। अब पूछा है कि क्रय मूल्य से कितना, ठीक है, वो ज़्यादा अंकित करेगा, ठीक है, ताकि उसको 17% का फायदा हो जाए, ठीक है, तो सिंपल है, देखो 90 है यहाँ और 117 है, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितने का डिफरेंस है 27 का डिफरेंस है, ठीक है, 27 का डिफरेंस है, तो ये तो आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है। और हमेशा प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी पे, नीचे हम अगेन सीपी लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाला 27, नीचे सीपी लिखा, ठीक है, तो ये अगर करोगे तो ये 3 से चला जाएगा, ये आपका 10 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 30% आ जाएगा, इंटू 100 भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आपको पता है कि 1/10 इक्वल टू कितना होता है आपका 10%, तो 3 गुना है तो 30% हो जाएगा, ठीक है, तो ये 30% इसका जो हो जाएगा आपका आंसर, मतलब वो अपना सीपी से अगर 30% ज़्यादा अंकित करता है, ठीक है, तो उसको कितना हो जाएगा 17% का फायदा हो जाएगा।
ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसको 6 दिन में पूरा करता है, यदि दोनों साथ में काम करें। मैंने आपको बताया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि ए जो है मान लिया एक्स दिन में काम करता है, बी जो है उसको वाई दिन में काम करता है, तो दोनों कैसे करेंगे, एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई, बस इतना ही आपको करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 × 4, और 6 + 4 जो होता है ये 10 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 24 और ये हो गया आपका 10, तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, 20 चला जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 4/10 आ जाएगा, तो 2 और 5, 2 × 2 = 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बेसिक है, एकदम आपको क्विक करना है ये सब चीज़। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 × 2 = 5 आ जाएगा। चलिए अब ये देखो, बहुत तरीके हैं, अगेन एग्जाम में कैसे करना है मैं वो बताऊंगा। 55 केजी के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात इतना है। ठीक है, ये दूध है, ठीक है, मतलब ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात मुझे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 7:4। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि कितना इसमें पानी और मिलाया जाए। ठीक है, अनुपात 7:6 करने के लिए इसमें पानी कितना मिलाया जाए पूछा। आप देखो, इसको पेन भी आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मैंने कैसे इसको कर दिया। ठीक है, देखो आपको दिया है कि जो रेशियो जो दिया है 7:4, मतलब 11 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्योंकि यही तो आपको दिया हुआ है ना। इस देखो, इसको इस तरीके से भी ले सकते हो कि 7x + 4x। ठीक है, जब प्लस में हो तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, बट मल्टीप्लाई में हो तब 7x × 4x करना पड़ता है। तो जब एडी करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 7 + 4 11, 11 यूनिट का वैल्यू मुझे दिया है 55। ठीक है, 55, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा। और यहाँ देखो ये कितना चेंज हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है। ठीक है, 4 से 6 हो रहा है, मतलब 2 यूनिट। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 10। ये क्विक है, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा आपको, और भी तरीके हैं, एक्स लेके कर सकते हैं, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। अब ये देखो, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान इतना है, मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 33 है, तथा अनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है तो गुरुवार का तापमान कितना होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, कमेंट आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, इसका जो आंसर जो आपका आएगा वो जो आएगा आपका 41 डिग्री। बहुत ही बेसिक है, एकदम बेसिक, मतलब समझ लो कि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है आपका, कि आपका समझ कैसा है एवरेज का। ठीक है, 41 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। और ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब इसमें बहुत लोग गलती किए थे, आप ध्यान समझ लो, मैंने इसको पोस्ट किया था। देखो, बोला है कि 729 के कितने गुणन खंड पूर्ण वर्ग हो गए। मतलब क्या हो, पूर्ण वर्ग होंगे, मतलब क्या, कितने इसके ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। देखो तो 729, देखो आप इसको मैं अपने अप्रोच से करता हूँ। ठीक है, देखो 729 मतलब कितना, ये किसका स्क्वायर है, तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर है ये 27 का स्क्वायर है। ठीक है, 27 का स्क्वायर है। ठीक है, 27 का स्क्वायर, ये चीज़ आपको समझ में आया। तो जब ये 27 का स्क्वायर है, ठीक है, तो जब 27 का स्क्वायर है तो इसको और आप क्या लिख सकते हो, 27 को 3/3 लिख सकते हो, ऊपर आप 2 का 2 ही रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, 3^6। अब देखो 3^6 आपके पास 6 आ गया, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते। अब इसका फैक्टर क्या क्या होगा, देखो कोई भी परफेक्ट तब होगा जब उसका पावर इवेन में होगा। ठीक है, कोई भी नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब उसका पावर इवेन में होगा। 3^6 0 लिख सकते हैं, 3^2 लिख सकते हैं, 3^4 लिख सकते हैं, 3^6 लिख सकते हैं। देखो 3^0 1, 3^2 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3^4 और 3^6। तो आपको यहाँ ये समझना है कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सब जो आएगा, ये आएगा आपका परफेक्ट, क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये और ये, तो ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि ये भी फैक्टर है, ये भी डिवाइड कर देगा 729 को, 3^2 भी कर देगा, 3^4 भी कर देगा और 3^6 भी कर देगा। ठीक है, समझ में आया, तो ये था आपका। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, 3^0 1, 3^2 और 3^4 कितना होता है, 981। ठीक है, 81 और 3^6 तो आप डायरेक्टली देख रहे हो कितना है आपका, 729। तो ये जितने भी आपके फैक्टर निकले हैं ये सब 729 को ये डिवाइड कर देगा, और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखो आप रूट में डालोगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, ये 1 तो आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और 729 क्या 27 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 24। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करने हैं, नीचे लिंक है। और मैं फिर से बता दूँ,
लोग पूरे जी जान से लगे हुए, तो आप प्लीज़ पीछे मत रहना, ठीक है। नीचे लिंक है, आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप का स्टेटस मैं डालते रहता हूँ ताकि अपडेट आप होते रहो, ठीक है। तो जैसे ही दबाओगे नंबर सेव कर लेना और अपडेट रहना। जय हिंद।